24 में जादूगर आएगा अमित शाह, भाजपा का जादूगर। हम चाहते हैं योगी जी। क्या करते हैं आप? हम चाय बेचते हैं। अरे चाय बेचने की बात करके तो देख ही रहे कहाँ पहुँच गए। हाँ वो तो अपनी किस्मत की बात है, अपने किस्मत की बात है, अपने नसीब की बात है। लेकिन जो है भाजपा का जादूगर अमित शाह जी है। अमित शाह जी है भाजपा के जादूगर। कैसे? हाँ उन्हीं के बनाई हुई पार्टी है कि जो कि अटल जी के बाद जो है जो भाजपा प्राप्त हो रही थी, जादूगर ही अपना दिमाग लगाया तभी जाकर के भाजपा बनी है। दुनिया मोदी जी का करिश्मा का बात करे तो आप? हाँ हाँ, लेकिन भले दुनिया कर रही है लेकिन ये जादूगर का जो खपड़ोई है ना मोदी जी से ज़्यादा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में मायावती ने सरकार गिरी थी तो मायावती की सरकार क्यों गिरी थी? 128 विधायक को जो निलंबित की थी अपने 6 महीने के शासनकाल में, तो वो विधायक ने जाके अखिलेश यादव के पास गए, और जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा आज भी जेल हैं। तो इन्होंने अमित शाह ने इसका भ्रमण किया कि क्या बात है कि जो मायावती की सरकार भी गिरी अखिलेश का सरकार बन गई। तो उन्होंने तुरंत देखा ओबीसी की जो है संख्या भारी है, उन्होंने तुरंत केशव प्रसाद मौर्य को 14 अप्रैल को बुलाया अपने पास, प्रदेश अध्यक्ष बना के पूरे भारत को भ्रमण कराया। इसके बाद जाके उपेंद्र कुशवाहा बिहार से मिले, इसके बाद आके राजकुमार सैनी से मिले हरियाणा में। ये जादूगर का दिमाग बहुत तेज है। तुम्हारा दिमाग तो उनसे भी तेज लग रहा है। ये नहीं नहीं नहीं, अरे ये कितना महीनी, इतना राजकुमार सैनी से लेके तो उनसे तेज थे तुम। प्रधानमंत्री तो इनको ही बता रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला प्रतापगढ़ के हैं। हम समझ गए, ओ हम समझ गए, इलाहाबाद के 100 किलोमीटर वाले। नहीं नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है चाय की दुकान पे होती है, और बाकी जगह हम भी वहीं से, लंदन से थोड़ी है, यूपी से हम हूँ। इसीलिए हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश है। 100 गढ़ा न एक प्रतापगढ़ा, ये तो कहने का है। लेकिन प्रतापगढ़ क्या है? 100 पढ़ा नहीं, नहीं एक प्रतापगढ़ा। लेकिन प्रतापगढ़ वाले अपनी ईमानदारी और मिलास से। चलो राजा साहब पर सुने उनका कुछ विवाद हो गया, मुकदमा भी हो गया। राजा भैया जी की बात कर रहे हो? अरे राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होता है। राजा भैया एक राजा है और रानी रत्ना सिंह एक रानी है, प्रजा प्रजा होते हैं। राजा भैया किसी गरीब को नहीं सताए हुए हैं। ये तो अच्छा छोड़ो, आपका नाम क्या? रविशंकर मौर्य। तो मौर्य जी एक बात बताओ, 2024 का चुनाव का माहौल क्या है? हमारे बस अमित शाह जी के ऊपर है, जैसे वो मेहनत करेंगे वैसे फल मिलेगा। और योगी जी, अरे अमित शाह मोदी जी और को भूल जा रहे हो? नहीं नहीं, योगी और मोदी, मोदी जी का तो करिश्मा सबसे ज्यादा है। पहले वो मोदी जी है तब ना ये है। लेकिन मोदी जी के कानों में मंत्र देने वाले हमारे अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी से ना अगर जो है अगर ये मोहन भागवत थोड़ा अपना गुरु दक्षिणा के ना करे ना, तो भाजपा अब तक कहाँ से कहाँ और पहुँच जाती। भागवत गुरु दक्षिणा? हाँ, वो कभी कभी गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं, जैसे योगी जी का गुरु दक्षिणा मांग लिए पहुँचे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी और को मनाना चाहते थे हमारे मोदी जी और अमित शाह जी, लेकिन ये रातों रात पहुँचे दिल्ली में, बोले कि आज तक आरएसएस का भी हमें कुछ मांगा नहीं होगा, एक चीज़ मांगना चाहते हो। कहन क्या? कहन मुख्यमंत्री पद के लिए योगी जी का। ये सब कहाँ से तुमको जानकारी मिल रही है यार मौर्य जी? हमारे पास जो है जितने पत्रकार हैं वो हमारे ही सब गुरु हैं, हम पत्रकारों का चेला हूँ। और दिल्ली पुलिस, हम भी तो पत्रकार, हमको ये सब कुछ मालूम है नहीं यार। नहीं, हम आप लोग का ही चेला है, हम आप लोग के ही पास में बैठते हैं तो कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस है यहाँ सबसे अलर्ट है, हम दिल्ली पुलिस का आँख और कान है, उसी तरह से हम इस पत्रकारों का चेला हूँ, हम पत्रकारों से ही सब। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल कभी हारे? ऐसा है कि केजरीवाल का ये जनता जो महिला होती हैं, जैसे टिकट मिल गया इनको, बस के आना जाना फ्री हो गया, झुग्गियों वालों को बिजली फ्री मिल गया, सबसे ज़्यादा चीज़ शिक्षा होती है। जैसे हमारे माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, 22% रिजल्ट आया था, आपको मालूम होगा, 97 में नकल अध्यादेश आया था। राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। हाँ मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह, लगा था कि पहले आप राजनीति में हाथ आजमाए फेल हो गए तो चाय बेचे लगे। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि आप लोग गुरु हो हमारे। ऐसा है कि केजरीवाल तो आप हमारे गुरु हो, आप आगे बढ़ो, बहुत लंबा बात, बहुत लंबी बात। केजरीवाल तो एक नाटकीय मुख्यमंत्री है,